नमस्कार दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड ऑफ चेतन मन क्या है। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को पता है तो उनको क्या लगता है कि सभी लोगों को मालूम है व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन आप यकीन मानो, बहुत थोड़े से लोगों को पता है कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। खुद मुझे भी काफी समय तक नहीं पता था कि अब चेतन मन होता क्या है, क्या होती है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। फिर जब मैंने ऐसी बुक्स पढ़ना शुरू करी, ऐसे वर्कशॉप अटेंड किए, ऐसे कोर्सेज किए, ऐसे वीडियोस देखे, इन एक्सरसाइज को किया बरसों, तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि सबकॉन्शियस माइंड में अनलिमिटेड पावर्स होती है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्या होता है, हमारे मन का वो बड़ा हिस्सा जो कुछ भी करने में सक्षम है। यानी कि हमारे मन के दो हिस्से, जैसे आप कोई बड़ी कार ड्राइव करते हो, स्कूटी चला दो ना, तो एक तो होता है हाथ में एक्सीलेटर, एक्सीलेटर को रेस करते हो। एक्सीलेटर को रेस करते हो तो क्या होता है, फ्यूल की सप्लाई इंजन में ज़्यादा जाती है और इंजन पूरी गति से आगे बढ़ता है। फिर आप कार चला रहे हो, उसमें 20 आदमी बैठे हो और कितनी भी चढ़ाई हो, और आपने एक्सीलेटर को रेस कर दिया तो चढ़ाई आपकी गाड़ी चढ़ जाती है। तो कॉन्शियस माइंड क्या होगा, एक्सीलेटर होगा, और सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा, इंटरनल इंजन होगा। उस इंटरनल इंजन में कितनी पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। ये जो एक्सीलेटर है ना, ये उस इंजन की वजह से ही गाड़ी को मूव कर रहा है। इंजन फेल हो जाए तो ये भी फेल। तो चेतन मन क्या है, आपका एक्सीलेटर है। आप जैसे चाहो वैसी रफ्तार दे सकते हो अपनी जिंदगी में। आप चाहो तो पैसेंजर ट्रेन की तरह चलो, आप चाहो तो सुपर फास्ट ट्रेन की तरह से चलो, वो आपकी मर्जी है। कैसी जिंदगी चाहते हो, रफ्तार में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर धीरे धीरे चलना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो या फिर असफलताओं का सामना करना चाहते हो। तो जो चेतन मन है, हमें क्या करना है, चेतन मन के द्वारा इसको नियंत्रित करना सीखना। मोटे तौर पर आप ये समझ लो कि आपका ये जो मन है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। हालांकि इसके चार हिस्से, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। तो हम यहाँ पर सिर्फ दो ही हिस्सों को समझे जिनकी हमें जरूरत है। तो ऐसा समझो कि आप दो हिस्सों में बटे हुए, ऐसा समझो कि आपके साथ आप और आपका नौकर रहते हैं। यानी कि आप मालिक हो और आपके साथ आपका एक ऐसा नौकर है जिसमें किसी जिन्न की तरह ताकत है, जिसके पास बहुत सारी शक्ति है। अब आपको क्या करना है, अपने नौकर को इंस्ट्रक्शन देना, उस जिन को ऑर्डर देना है। हमेशा कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ ना कुछ सूचनाएं उसे देते रहिए। जो भी काम आप उसे करवाना चाहते हैं, वो सूचनाएं उसे बार बार देते रहिए। तो क्या होगा, आपका नौकर आपकी सूचनाओं को सुनता रहेगा और इकट्ठी करता रहेगा, फिर वो वही काम करेगा जो आपने उसे सिखाए, जैसे आपने उसे ट्रेनिंग दी। तो आप मालिक बन जाओ और नौकर को ट्रेनिंग देने लगे। तो नौकर कौन हुआ, आपका चेतन। मालिक कौन बन गया, आपका चेतन। चेतन मन को कौन नियंत्रित कर रहा है, आपकी सोल, आपका सेल्फ। यानी कि ऐसा समझो कि जो सेल्फ है, ये कौन है, ये आप। और ये जो चेतन मन है, ये कौन है, आपका जनरल मैनेजर है आपकी कंपनी का। ये जो बॉडी है आपकी, ये पूरी कंपनी की तरह है। इसके जो ऑनर हो वो आप, सेंट्रल पॉइंट आप, यू आर द सेल्फ एंड दिस इज योर कंपनी, दिस इज योर फैक्ट्री एंड योर कॉन्शियस माइंड इज योर जनरल मैनेजर। आपका जो चेतन मन है, ये क्या है, इज द जनरल मैनेजर ऑफ योर कंपनी। और आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है, योर सो मैनी अनलिमिटेड वर्कर्स, बहुत सारे आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, उन सबका समूह है, उसको मिलाकर हम बोलते हैं अवचेतन मन। अब आप जो इंस्ट्रक्शन जीएम को दोगे, यानी कि कॉन्शियस माइंड को दोगे, वैसी इंस्ट्रक्शन आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को देगा। अब अपने चेतन मन को भी डिजायरेबल इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हो, आप डिजायरेबल चीजें देगा, डिजायरेबल बातें सुनकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर आपने देखा होगा, बड़ी नकारात्मक बातें शेयर करते हैं, एक्सीडेंट्स के फोटो डाल देंगे, दुर्घटनाओं के चित्र डाल देंगे, भयानक भयानक लाशें पड़ी हुई, बस खाड़ी में गिर गई, ऐसे वीडियो, ऐसे चित्र और ऐसी तस्वीरें वो शेयर करते हैं लोगों के साथ। न जाने क्या बताना चाहते हैं लोग, शायद डराना चाहते हैं, वो खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। अब ऐसी तस्वीरें देखकर, ऐसे वीडियोस देखकर
आपके मन में क्या होगा, वही वही पिक्चर्स बार बार घूमेंगे, जो देखोगे वही सोचोगे, जो सोचोगे वही बन जाओगे। याद रखना, जो जो देखोगे ना उसी के बारे में तो सोचोगे, और किसके बारे में सोचोगे? और जिसके बारे में सोचोगे वैसी कल्पनाएं करोगे, और जैसी कल्पनाएं करोगे वैसे अपना जीवन बना लो। तो वो देखो जो बनना चाहते हो, एकदम सिंपल फंडा है, वो देखो जो बनना चाहते हो, क्योंकि जो देखोगे वही सोचोगे। तो अच्छी चीजें देखो, तो अच्छा सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो जीवन को अच्छा बनाओ। तो आपको क्या याद रखना है, यू आर द ऑनर ऑफ योर कंपनी, यू आर द ऑनर ऑफ योर शिप, यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन टू योर कॉन्शियस माइंड, एंड योर कॉन्शियस माइंड विल ऑपरेट टू योर सबकॉन्शियस माइंड। अभी तो उल्टा हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड ही जाने अनजाने में आपको ऑपरेट कर देता है। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हमने डाल ली, आलस की, थकान की, सुस्ती की, हम अल्लकी, हम दुर्भाग्यशाली, हम कमजोर हैं, न जाने कौन कौन सी आदतें बना रखी हैं हमने, और उसी जीवन में उठल गए और दुखों का बोझ अपने कंधे पर लेकर सारी जिंदगी जिंदा लाश की तरह घूमते रहते हैं। बोझ बन गई है जिंदगी, इस बोझ को आज से और अभी से उतार कर हल्का करो, ये समझो कि आप मालिक हो, नौकर हो, जो टनो यादों का मनो बोझा लेकर घूम रहे ना इसको छोड़ो, अतीत से मुक्त हो जाओ अपने और अपने भविष्य के निर्माता बनो, अपनी जिंदगी को आज से और अभी से बदलना शुरू कर दो। यू आर द कैप्टन ऑफ योर ओन शिप, अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझो। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। ये एक बड़ा लंबा विषय है, इस पर मैं समय समय पर बोलता रहूँगा, और मौका मिला तो हिंदी में एक बहुत बेहतरीन किताब भी लिखने की कोशिश करूँगा जो हजारों लाखों लोगों के काम। आप सबका सहयोग रहा तो जरूर ये सब संभव हो जाएगा। आप इतने प्यार से मुझे सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो जरूर लाइक कीजिए और अपने बेशकीमती कमेंट देना भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।